वेलकम टू श्वेता ज़ियम्मी रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट कॉर्न हांडवा की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है ही, साथ ही में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। आप देख सकते हैं इसका आउटर लेयर कितना क्रिस्प है, उतना ही वो अंदर से सॉफ्ट होता है। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट कॉर्न हांडवा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप रवा लिया है, 1/2 कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा, और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। दही अगर एक दिन पुराना है या थोड़ा सा खट्टा है तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा और पानी ऐड करना है और बैटर को हमें करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है, ताकि जो हमारा सूजी है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ। तब तक यहाँ हम कॉर्न की पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कॉर्न लिए है, स्वीट कॉर्न लिया है। उसमें करीब 5 से 6 हरी मिर्च डाल रही हूँ और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, आप लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का हमें एक कोर्स पेस्ट बनाना है। 10 मिनट हो चुकी है, आइए हम देखते हैं सूजी को। सूजी का बैटर एकदम गाढ़ा हो चुका है, सूजी ड्राई हो चुकी है। इसमें मैंने अभी कॉर्न का पेस्ट ऐड किया है। कॉर्न और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही मैं यहाँ 2 टेबलस्पून जितना स्वीट कॉर्न के दाने ऐड कर रही हूँ, और साथ ही में कैप्सिकम, एक कैप्सिकम मैंने बारीक कट करके लिया है। कॉर्न और कैप्सिकम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। 1 प्याज को कट करके लिया है और 1 ग्रेटेड गाजर, आप चाहे तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ड्राई हो चुका है। 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च पहले ही ज़्यादा ली थी, मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब थोड़ा सा बैटर हम साइड में निकालेंगे, इसको थोड़े थोड़े बैचेस में बनाना है। यहाँ पे मैं एक पैन को गर्म करने रख रही हूँ। अभी मैं नॉनस्टिक वाला पैन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाला है। और यहाँ पे जो मैंने थोड़ा बैटर अलग निकाला था उसमें 1 टीस्पून इनो डाला है। तेल में अभी कड़ी पत्ता ऐड किया है, थोड़े से वाइट तेल ऐड कर रही हूँ, 1 ड्राई रेड चिली। सबको अच्छे से मिक्स किया है और जो हमने बैटर बाजू पे किया था इनो डालकर, उसे अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे ऐड करना है, इवनली स्प्रेड करना है। अभी मैं थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ ऊपर। स्वीट कॉर्न से एक अच्छा सा क्रंच आता है और वाइट तिल। अब इसे ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ऊपर का लेयर ड्राई हो चुका है। इसे हल्के हाथों से हमें फ्लिप करना है, आप चाहे तो एक प्लेट में भी उसे लेकर फ्लिप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसे केयरफुली फ्लिप करना है। अभी और वापस से ढककर हमें करीब 2 मिनट के लिए कुक करना है। मैंने पहले भी एक वेजिटेबल हांडवा का रेसिपी अपलोड किया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। अभी हमारा हांडवा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है,
आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी दिख रहा है और एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। इसे एक प्लेट पे निकालना है। इसका आउटर लेयर एकदम क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप गर्म हांडवे पे चीज़ ग्रेट कर सकते हो। चीज़ डालने से हांडवे का टेस्ट और डिलीशियस हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई ही होगी। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो क्या करना है आप जानते ही हो। हाँ, सही बोला, आपको लाइक करना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।